भी चलते हैं सांभर बनाने। इसमें लेंगे अरहर का दाल, ये मूंग का दाल, चने का दाल। इसको मिक्स करके वॉश कर लेते हैं। ये हो गया हमारा वॉश। अब इसमें डालेंगे हल्दी, हल्दी हल्दी और नमक का स्वाद अनुसार नमक। और इसको हम दाल को बना लेते हैं पहले। तब तक हम सब्जी की तैयारी करते हैं। सभी चलते हैं सांभर बनाने। इसमें लेंगे अरहर का दाल, ये मूंग का दाल, चने का दाल। इसको मिक्स करके वॉश कर लेते हैं। ये हो गया हमारा वॉश। अब इसमें डालेंगे हल्दी, हल्दी हल्दी और नमक का स्वाद अनुसार नमक। और इसको हम दाल को बना लेते हैं पहले। तब तक हम सब्जी की तैयारी करते हैं। हमारी सब्जियां तैयार। ये हो गए जीरा मिर्च। और चलते हैं तब तक अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बना लेते हैं। और अगर आपके पास भूखा जीरा मिर्च है तो आप भूखा ही डाल सकते हैं, अगर खड़ा हो तो पेस्ट बनाकर डाल सकते हैं। तब तक चलते हैं हम अदरक लहसुन जीरा मिर्च का पेस्ट बना लेते हैं। हमारा पेस्ट बनकर तैयार। अब चलते हैं कढ़ाई को रखते हैं, इसमें तेल डालेंगे। गरम हो जाने पर फिर सब्जियों को फ्राई करते हैं। ये हमारी कढ़ाई हो गई है तैयार। चल गोभी को फ्राई करते हैं। हल्का ब्राउन होने तक इसको फ्राई करते रहेंगे। ये हो गया हमारा गोभी भून के तैयार, एकदम ब्राउन हो गया। अब इसको निकाल देते हैं, इनको भी फ्राई कर देंगे। बटर भी ब्राउन तैयार हो गया, अब इसको हम निकाल लेंगे। तब तक चलते हैं दाल की ओर। दाल भी हमारा तैयार हो गया, बाकी की सब्जियां इसी में डाल देंगे। आलू इसमें डाल देंगे और लौकी भी डाल देंगे। आलू लौकी डाल के फिर एक सीटी हम लगा लेंगे, क्योंकि आलू और लौकी हमारा पक जाए। तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इसमें फ़ौरन में डालेंगे हम हरी मिर्च, इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भून लेंगे। फिर मसाले में डालेंगे स्वाद अनुसार मिर्च, गरम मसाला, मीट मसाला, हल्दी, सूखा धनिया, ये सब हम डाल देंगे। इसमें मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे टमाटर, धनिया पत्ता, धनिया पत्ता आप चाहे तो ऊपर से भी डाल सकते हैं, नहीं तो मसाले में भी। फिर इसको अच्छे से भूनेंगे। ये हो गया हमारा मसाला भी तैयार, पूरा कढ़ाई चल चुका है। अब इसमें डालेंगे भुना हुआ गोभी और बटर। फिर इसमें हम डालेंगे हल्का सा नमक। अब हो गया नमक और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और भून लेंगे। तब तक हमारा दाल भी बन के तैयार हो चुका होगा। अब चलते हैं इसको मसाले में डाल देते हैं। ये हो गया हमारा दाल बनकर तैयार। अब इसमें डालेंगे सारे मसाले। अब इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा पका लेंगे। पकाने के बाद जीरा और घी में हम इसको फ्राई कर देंगे। चलते हैं, तब तक इसको ढक के पका देते हैं।
पकने देते हैं। तब तक तक हम तड़का देने की तैयारी कर लेते हैं। हो गया जीरा, जीरे को अच्छे से जला लेंगे। हमारा जीरा अच्छे से जल चुका है और तैयार हो चुका है। अब फ्राई करते हैं दाल को। ये हमारा सांभर बनके तैयार हो चुका है। अब इसको हम सर्व करते हैं। अगर रेसिपी अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। सांभर बनाने का तरीका हमें मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।